लो भाई अगर तुमने मोरनी नहीं देखे हो ना, ये लो दिल्ली में दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो देख रही है, मैंने पहली बार देखी खुद ही भाई, काले रंग की होती है ऐसी, इससे अच्छा तो मोर या सुंदर तो होता कम से कम ये बड़ी गंदी दिखती है, अरे तो पता नहीं किसको आवाज लगा रही है, यहीं कहीं ना इसका कोई दोस्त बैठा हुआ है या तो इसकी बीवी है, यहीं कहीं पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रही, बस ये आवाज तो लगा रहा किसी को, उधर जाके देखता हूँ मैं, रुक जाओ, ये देखो लो पास से देख लो, ठीक ऐसी ऐसी आवाज निकाल रही है, पता नहीं वो मम्मी कह रही है कि ना यहाँ पे ना बच्चे हैं मोरनी के, छोटे 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 छोटे, अब पता नहीं किस तरफ छुपे हैं, वो नहीं पता चल रहा मेरे को, ये इन्हीं को ढूंढने आई है मेरे ख्याल से, हेलो ओए सुन तो जा, ले उधर चली गई वो तो, मम्मी कह रही कि ना इन झाड़ियों में ना कहीं पे इसके बच्चे थे, सुबह देखे थे मम्मी ने छोटे छोटे, लेकिन अभी तो कोई दिख नहीं रहा, ये इन्हीं को ढूंढने आई है, कब से शोर मचाई जा रही है ऐ ऐ करके, आवाज़ कैसी है इसकी देखना, देखो भाई फाइनली मिल गए भाई इसके बच्चे, देखो अब जाके शांत हो गई है, देखना वो कैसे कैसे थे बच्चे छोटे छोटे से हाँ पता नहीं कि तो कैसे, देखो वो ये मुर्गी के बच्चे लग रहे छोटे छोटे से, ये देखना, और सब यहाँ पे हैरान है कि आई कैसे वहाँ पे, वो देखो वो पड़ोसी आंटी भी कह रही है कि ये आई कैसे यहाँ पे बढ़िया लग रहे है देखना, अब यार अब यहाँ पे इसको बचाऊँ कैसे, ये देखो ये कब से ना हमारी गली में ही घूम रहे हैं ये, अब इनको यहाँ ना मतलब छोड़ ही भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ कुत्ते भी ले आएंगे ना इसके बच्चे खा जाएंगे, हम सोच रहे हैं कि अभी ना किसी को फ़ोन करें, वो नहीं होते पशु पक्षी वाले कि वो उसको ले जाएं, ये देखना कैसे छोटे छोटे से बच्चे हैं इसके, देखो चिड़िया जैसे ये रहे कब से ये हमारी इसी गली में घूम रही है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है ना यहाँ पे, ये इसने यहीं बच्चे दिए हैं, ये है मोरनी काले रंग की, देखो ये रही, लो भाई हमारा ये वाला मोरनी का बच्चा भी उठ गया, क्यों कहो बच्चा देखेगा मोरनी का पीछे घूम रही है, आजा दिखा लो तेरे को, चल आजा 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 चले चले आजा जल्दी आजा 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 जल्दी 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 मोरनी का बच्चा देखेगा, ए, 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 नहीं देखेगा क्यों, अच्छा डांस तो कर दे डांस आगे खुलती है डांस करना पड़ता है, अभी तो फिलहाल भाई मैं ना के आया हूँ ताकि जो बुखार वगैरह ना थोड़ा उसका टेम्परेचर उतर जाए, और मेरी शरीर की मतलब मेरे बॉडी का ना अभी ऐसा हो रहा है कि ना थकावट ना बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब शरीर ना ऐसा बिखरा बिखरा टूटा टूटा सा हो रहा है, ऐसा ना मन भी नहीं कर रहा कि मैं हाथ भी हिला लूँ, ऐसा सा हो रहा है बिल्कुल कमज़ोर, ना कुछ खाया जा रहा ना कुछ पिया जा रहा, फिलहाल तो डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि ना CBC टेस्ट करा लो, CBC टेस्ट ना भाई वो होता है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल ये दोनों काउंट होते हैं, तो उससे पता चलता है कि मतलब बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ कि करा लूँ, कोई वो तो है नहीं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है कराने में, भाई जीभ का स्वाद बदलने के लिए छोले कुलचे मंगा लिए थे, हो सकता है इससे अब थोड़ा स्वाद थोड़ा ठीक हो जाए, ये आ गई छोले कुलचे देखते ही, अपना खा जाके चल, नहीं मैं नहीं खिला रहा, जाओ यहाँ से जाओ, नहीं ये मेरे हैं, दे 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 छीन रही है, दे दे मारूं तेज बनी तो मेरे से हंसती ऊपर से है हंसती हंसता है तू, मामा के छोले कुलचे छोड़ दे इसको जब देखो भागने आ जाती है, भाग यहाँ से, अपना खाना खिलाती है, देखो तो कैसे देख रही है देखो यहाँ से नीचे से देख रहा हूँ भाई मेरे से तो खाए नहीं जा रहे भाई छोले कुलचे, मेरे जबड़ों में ना दर्द हो रहा है, ये इधर के ये वाले है ना पता नहीं क्यों चबाया नहीं जा रहा, तो मैंने तो भाई फिर ओट्स ही मंगा लिए, ओट्स ही खा लेता हूँ, इसको तो बस निकलना होता है, भाई वाइल्ड लाइफ वालों को फोन कर दिया था, वाइल्ड लाइफ वाले आ चुके हैं, पता नहीं कुछ ना अभी चेकिंग ही कर रहे हैं, उस वाले सामने वाले दरवाजा है, दो दरवाजे हैं ना हमारे, एक हमारे वाला और एक इसी गली के आगे वाला, वहाँ खड़े होकर कुछ ना कुछ चेकिंग कर रहे हैं, ये देखो भाई ये खड़े दो आदमी और थे अभी, और ये बताऊँ कहाँ गई मोरनी, ये बैठी हुई बच्चे इसके नीचे हैं, गरमाहट दे रही उनको, ये भाई स्ट्रेटेजी लगा रहा, मैं इसको बोल रहा हूँ कि यहाँ सामने बैठी हुई कह रही चुप रहो इसने भाई मोरनी उड़ा दी, मैं इसको कह रहा था कि भाई मेरी सुन ले कि वहाँ बैठी है, सुना ही नहीं, इसके पीछे भागा ही तो जोर से वो उड़ गई, वो रही बच्चे इसने यहीं छोड़ दिया अपने इसी तरफ आ गया, वो देखो भाई मिल गया, सिर्फ ना एक ही बच्चा मिला अभी, बाकी ढूंढ रहे हैं, देखो पिंजरे में रख रखा अभी तो, ये देखो भाई इसको इसलिए रखा था पिंजरे में ताकि ना मोरनी आ जाए, और देखो फटाफट जा गई, अब इसको पकड़ लेंगे, अब इसके बाकी बच्चे तो नहीं मिले अभी, तीन बच्चे रहते हैं, एक मिल गया, अरे उड़े जा रही है चैन से नहीं बैठ रही एक जगह।
अभी तो फिलहाल भाई मैं जा रहा हूँ मयंक के साथ CBC टेस्ट कराने के लिए, ये थोड़ा ज़रूरी है, देख लेता भाई रिपोर्ट में क्या आएगा। मैं ना अभी ना लेट करवा रहा हूँ, अगर मैं सुबह जल्दी निकल जाता ना तो शाम तक रिपोर्ट आ जाती, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि अभी मैं जा रहा हूँ तो कल आएगी रिपोर्ट। लो भाई पहुँच गए, टेस्ट करा के आता हूँ भाई। चलो भाई हो गया टेस्ट, और ना अंदर भाई ने ना रिकॉर्डिंग करने से मना करा था इसलिए करा नहीं। जिस डॉक्टर से मैं पहले दवाई ले रहा था ना, उसने पहले CBC तो लिख दिया, फिर नीचे लिखा था डेंगू का, तो मैंने दोनों टेस्ट करा लिया भाई। ये आ गई भाई मेरे पास रिपोर्ट, इसमें लिख रखा है ना देखो, ये रहा डेंगू और ये रहा CBC। अब इन दोनों की रिपोर्ट आएगी भाई कल लेनी पड़ेगी 11 या 12 बजे के आसपास। मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही स्कूटी चलाने के लिए, इसलिए मैं मयंक को लेके गया था, क्योंकि ना हाथ में भी दर्द हो रहा है और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये काफ है ना, काफ यहाँ पे इन दोनों पैरों में सेम जगह दर्द हो रहा है बहुत ज़ोर से, इसलिए रात को ना मैं बॉलिन लगा लेता हूँ और इस पर वो लगा रहता हूँ गर्म पट्टी होती है ना, हाँ वही कहते हैं। ये बेचारी भाई कब से यहीं बैठ के ना आवाज़ें लगाई जा रही है, बच्चों को सबको बुला रही है ये। अरे नीचे तो जा, जभी तो मिलेंगे तेरे को, नीचे कूद भाई। वो वाइल्ड लाइफ वाले तो चले गए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ना भाई ये पकड़ में नहीं आ रही, तो वो जो बच्चा पकड़ा था ना वो भी छोड़ दिया, यहीं कहीं घूम रहा है इधर से उधर, और ये अब सबको आवाज़ लगा के बुला रही है। कल रात से नींद नहीं आई भाई मेरे को, कल रात से, और अभी सिर्फ एक या दो घंटे की एकदम से नैप ली मेरे को, एकदम से ना सर भन्ना सरा अपना नींद आ गई, सो गया मैं, तो अब लग रहा है कि भाई दो दिन की नींद पूरी हो गई, पता नहीं क्यों एकदम से लगा मेरे को ऐसा। और अभी मैंने थोड़ी देर नीचे देख के आया था मोर को, भाई वो है ही नहीं ना, उसके बच्चे हैं, गाड़ी के नीचे भी झुक के देखाया, पौधों के साइड भी देखाया, ऊपर से भी देख लिया मैंने गाड़ी, और इस साइड भी देख लिया, कहीं पे भी नहीं है, पता नहीं क्यों कहां भाग गए सारे के सारे। और पहले तो सिर्फ ना पैर में दर्द हो रहा जो मैंने दिखाया था ना काफ में, अब धीरे करके ना भाई कलाइयों में भी दर्द हो रहा है, कलाई मतलब रिस्ट हाथ रिस्ट इसमें हो रहा है, और धीरे करके जबड़ों में भी हो रहा है नीचे वाले में, और पीछे गले में भी हो रहा है, गले में ना मतलब ऐसा लग रहा है कि ना छिला छिला सा हो रहा है, रूखा रूखा सा ऐसा हो रहा है, पता नहीं भाई कौन सी नई बीमारी आई है, समझ नहीं आ रहा। बाकी भाई सब्जी बनी है आज चाप, अरे तरी कहाँ गई, मैं तो तरी बोली था वो बनाने के लिए, तरी नहीं डाली थोड़ी सी, और वो कहाँ गई राजमा कहाँ गई, राजमा भी लेके आए थे भाई थोड़ी सी, ये मैं मांग के लेके आया था राजमा, कहाँ है, अरे सूखी पड़ी है तो ठीक है। फिलहाल जो तबीयत है अभी थोड़ी खराब चल रही तुम्हारे भाई की, लेकिन कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाएंगे फिर वापस घूमने का प्लान बनेंगे, फिर वापस है तुम्हें घुमाना चालू कर देगा तुम्हारा भाई। बाकी तुम तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इस ब्लॉग को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।